कर अनबॉक्सिंग। ओ क्या हमारा सिस्टम है, ये दूसरा सैंडविच है ये विशेष। तो भाई हो, आज हमारे मामा जी हमारे लिए, देखो रात में भूख लग रही है। मैं सोचा मैं रात में मैगी बनाऊंगा आएंगे जब, और अब एक देखो प्लेन है या अंदर सब कुछ मिल रहा नहीं, ये डबल स्लाइस होएगी, मतलब यूं मुड़ेगा कोई, सिंगल है कहीं सिंगल ही है। वाकई है, अलग अलग है क्या दोनों, सॉस डाल देंगे। अलग अलग है दोनों। वाह, अमीर होके चोच ले, या में पता ना काई है हमें सब, या में भगवान जाने खाता है। नमो नमोज लव डिब्बा पे हैशटैग नमोस लव। इतनी नमकीन क्यों मिला रखी है सब, काफी मिला रहे थोड़ी थोड़ी भाई हमारे मिला रखे ना, लोगों को लगे हाँ भाई है माल पैसान को सेम ही है, नमकीन मिलेगी वहां में शायद। नमकीन एक मिनट डाले तो बता ना, अलग कंपनी को ब्रांड मतलब यार मेरे पे बढ़ा दिया नमकीन डालो कहीं। ओ नहीं तो क्या, समोसा में कच्ची मिला दो, हो गए 200 रुपये समोसा। मेरे को भूख लग रही है, देखो रात 11:30 बज रहे हैं। तो या किस्ट्रो ना दिखे, या किस्ट्रो ना है ना, ये भी किस्ट्रो, किस्ट्रो भी एडवांस में ला रहा है मैंने, जो उठा लाऊंगा उसे। कॉफी तो ना मामा, कोल्ड ड्रिंक ही लग रही है मुझे तो। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, पता ना अजीब टेस्ट की है। खाओ मैं तो यह खाऊं याद भाई, भयंकर मसाला है अंदर। भाई सही में मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रही है, आज रोटी ना खाई बिल्कुल भी। हाँ रात को 11:30 बजे नसीब होगा, ये देखो सो रहे हैं मस्त महाराज जी, अभी 11:30 बज रहा है और मौज हो रही है। और अगर घड़ी पे विश्वास ना है तो टाइम देख लो, देख लो भाई मेरे तो पीट अकड़ गई भयंकर वाली, और सकरात के माहौल में तो आय हाय इतना सन्नाटा। तो थोड़ा बहुत घूमते हैं फिर खाएंगे, पेट वेट भूख लग रही है भयंकर वाली, फिर तो देखते हैं शाम का क्या सीन रहता है, मतलब कल सुबह का। ये ब्लूबेरी सा लग रहा, मैं सोचा दारू है, ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी शेक। द नेक्स्ट डे आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे घर पे, वैसे कल रात को मामा घर पे स्टार्ट कर चुका, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो महाराजा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, चलो लालू कालू चले गया बाहर, ले चलो चले बाहर, चले घूमने बाहर चले गया, मैं जा रहा हूँ मैं जाऊँ बाहर, बैठ जा सो सकते आप, शाम को चलेंगे। बहुत एग्रेशन है भाई इसके अंदर, दो जनों से बचा करना पड़ता है, पहले बच्चे और दूसरे वो लोग मतलब जो स्ट्रेंजर है, और तीसरे भाई कुत्ते हैं ना डॉग्स बाहर के होते हैं उसमें। ये देखो ये आ गया, ये आ गया भैया शांति से। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत वैसे घर से हो रही है, और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ भाई साहब, आज का ब्लॉग वैसे तो मेरे को नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन है ना घर का वर्कआउट भी करना है, और बाकी शाम का थोड़ा बहुत अपना थोड़ा बहुत काम भी वो भी करना। सैंडविच खाया मेरे तो पेट में दर्द जलन हो रही है बहुत भयंकर वाली, तो घर पे है ना देसी चीज़ बनी हुई है हमारा दूध राबड़ी, मतलब छाछ राबड़ी, तो उसके लिए छाछ लानी पड़ेगी। अब छाछ लेने के लिए कौन 1 किलोमीटर दूर जाएगा, क्योंकि है ना हमको है ना वो मेरे को है ना वो बाहर की वो देसी छाछ ही आती है, थैली वाली छाछ आई डोंट लाइक थैली वाली छाछ, इसको पता ही नहीं, इसको मैंने कहाँ से बोल दिया कि भाई आ जा तो आ रहा है। तो भाई अपन को है ना वर्कआउट भी करना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देख रहा था, वो था कि राम मंदिर के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना राम जी से रिलेटेड, तो फिर मैं वो व्लॉग मतलब एक वीडियो देख रहा था जिस आर्टिस्ट ने वो वीडियो बनाई थी, और इंटरव्यू चल रहा था कि भाई आर्टिस्ट खुद नहीं पहचान पा रहे कि भाई साहब ऐसी मूर्ति मतलब ऐसी राम जी की मूर्ति और ऐसी हो गई, मतलब कैसी से कैसी हो गई, मैं एक बार प्रॉपर बैठ के बताता हूँ। रात को खाकर सैंडविच खाया मेरे तो पेट में दर्द जलन हो रही है बहुत भयंकर वाली, तो घर पे है ना देसी चीज़ बनी हुई है हमारा दूध राबड़ी, मतलब छाछ राबड़ी, तो उसके लिए छाछ लानी पड़ेगी। अब छाछ लेने के लिए कौन 1 किलोमीटर दूर जाएगा, क्योंकि है ना हमको है ना वो मेरे को है ना वो बाहर की वो देसी छाछ ही आती है, थैली वाली छाछ आई डोंट लाइक थैली वाली छाछ,
इसको पता ही नहीं, इसको मैंने कहाँ से बोल दिया कि भाई आ जा, तो आ रहा है। तो भाई अपन को ना वर्कआउट भी करना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देख रहा था, वो था कि राम मंदिर के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना राम जी से रिलेटेड। तो फिर मैं वो व्लॉग मतलब एक वीडियो देख रहा था जिस आर्टिस्ट ने वो वीडियो बनाई थी, और इंटरव्यू चल रहा था कि भाई आर्टिस्ट खुद नहीं पहचान पा रहे कि भाई साहब ऐसी मूर्ति मतलब ऐसी राम जी की मूर्ति और ऐसी हो गई, मतलब कैसी से कैसी हो गई। मैं एक बार प्रॉपर बैठ के बताता हूँ। कुछ ऐसी है कि प्राण प्रतिष्ठा, जिन्हों को पता है उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं एक प्रॉपर एक बता देता हूँ कि क्या सीन था। कि जैसे सबको पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कि भाई प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई थी मंदिर के अंदर। तो वैसे जिस बंदे ने अभी मतलब जिन आर्टिस्ट ने इसको मूर्ति को बनाया, वो खुद इस टाइम पर नहीं पहचान पा रहे हैं कि रियलिटी में ये मूर्ति ऐसी कुछ हो जाएगी। तो फिर थोड़े बहुत जहाँ तक मेरे को पता लगा उसके हिसाब से बताता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि उस मूर्ति के अंदर थोड़े बहुत नहीं उसके अंदर प्राण डालना। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल को देख के बताऊँ तो उधर से गलत वे में मत लेना, एग्जाम्पल बताऊँ तो एक तरीके से मूर्ति आदमी को जिंदा करना, गलत वे में नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ मैंने बताई। लेकिन वैसे ही मूर्ति के अंदर प्राण देना एक अलग तरीके की विधि है, जैसे कि जिनको पता है कि उसके बारे में, थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके बारे में कि क्या होता है कि 5 अलग अलग नदियों के पानी से उसको नहलाया जाता है, मूर्ति को नहलाया जाता है। फिर उसके बाद एंड उसका फिर है ना मतलब उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा हो जाती है उस मूर्ति के अंदर, जिससे सिंपल जो आदमी होता है वो आदमी उसको देख नहीं सकता है, मतलब उस जो ऊर्जा निकलती है उस मूर्ति के अंदर से वो ऊर्जा देख नहीं सकता है। तो फिर उस मूर्ति के ऊपर जो है आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, जिससे सामने एक कांच रखा जाता है, जिससे जब वो मूर्ति उस कांच के अंदर देखती है वो कांच उस टाइम पे टूट जाता है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ बहुत कुछ है। बहुत सारी पूजा करनी पड़ती है, बहुत सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं, तब जाके ऐसा कुछ होता है। वैसे ही जब वो आर्टिस्ट है जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैंने ये मूर्ति जब बनाई थी तो ये कुछ अलग टाइप की दिख रही थी, लेकिन जब ये मूर्ति रियलिटी में स्थापित हुई राम मंदिर के अंदर तो ये कुछ अलग टाइप की मूर्ति हो गई। बिलीव तो मुझे भी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन रियलिटी में रियलिटी यही बात की है और मुझे उसमें बिलीव करना पड़ेगा। एक चीज़ का नारा है, जाओ जा कमेंट करना जय श्री राम लिखो। और मुझे भी नहीं पता भाई मैं कब मंदिर के अंदर जा पाऊंगा, लेकिन किस्मत हुई तो जल्दी जल्दी भगवान श्री राम हमको बुलाएंगे। और एक और चीज़ का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मेरे को खाटू श्याम जी के जाने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज़ रखी है कि वो ये है कि भाई जल्दी से हमारे चैनल के ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ आने लग जाएंगे, ब्लॉग वायरल होगा। तो प्लीज़ जाओ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा बहुत ज़्यादा मन है। लेकिन अगर इस टॉपिक से अगर लेके मैं अगर जाऊँगा भगवान के पास, तो भगवान से और दुआ मांगूंगा कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करे, जिससे हमारा हमारी भी अच्छी तरह ग्रोथ हो और हमारे डीडी फाउंडेशन को भी हम आगे पहुँचा सके। यही चाहता हूँ, जा जाके चैनल सपोर्ट करो। और अब जो काम है मेरा वो काम बताता हूँ भाई, अपन को वर्कआउट करने का है अभी, तो वर्कआउट करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। मेरे घर का वर्कआउट दिखाता हूँ कि भाई मैंने रियलिटी में घर का वर्कआउट क्या होता है। ठीक है, जाओ जाके चैनल सब्सक्राइब करो, वर्कआउट करते हैं। तो भाइयों एक चीज़ मैं दिखाऊँ ना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है जिम छोड़ने के बाद कि ये रियल में गद्दे दिख रहे होंगे लेकिन ये मेरी चेस्ट प्रेस है, और ये साथ में जो डंबल दिख रहे हैं ना, ये डंबल जो है ना जान है मेरी। आज मैं चीज़ बताऊँ ना, दो साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जब मेरा ये पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था, जिसके अंदर मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके डंबल को परचेज किया। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट फेल है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो है अपनी बॉडी के ऊपर पैसा लगाना। क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर अगर पैसा लगाया ना तो कहीं नहीं जाने वाले भाई, है ना। तो मेन यही है कि अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपने गोल्स पे वर्क करना सबसे बेस्ट। ये लौंडिया लपाड़ियों का चक्कर है ना बहुत ख़राब है भाई, करियर ख़राब हो जाता तो हम करियर बनाएंगे बाद में लौंडी लपाड़ियाँ करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फ्लैक्स है माँ बाप को प्राउड करवाना। ठीक है, ये दिख रहा ना वर्कआउट, तो अभी वर्कआउट पेल रहे हैं मस्त, बाकी पंप आ रहा है इसकी आँख चेस्ट में। देखो ये होता है रियल ज़िंदगी, आ रहा ना पंप थोड़ा बहुत। भाई देखो घर पे वर्कआउट करने का मज़ा तो है लेकिन इक्विपमेंट्स कम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, जितना मिले उतने में खुश। बाकी बाइसेप्स का वर्कआउट देखो, मतलब पंप देखो, है ना चुम्बेश्वरी भाई साहब, ये होता है रियल। वर्क करना है भैया सिर्फ अपने आप पे, बाकी दुनिया गई ऐसी तैसी कराने। चलो भाई वर्कआउट करते हैं फटाफट। चाहे आँखों का पैगाम ले पर ये मत कहना।
रही हूँ पगले, मुझे देखना मेरा नाम ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, बोले तो बन जाऊं मैं बल्ले शाह सौदाई, मैं भी वर्कआउट डन हो गया। अब जाओ जाके चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।